So, welcome साहिल, will you please introduce yourself first? सर, मेरा नाम साहिल है और मैं कुरुक्षेत्रा का रहने वाला हूँ, जो कि लैंड ऑफ महाभारत है या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और मैंने 2022 में अपनी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट की है। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बना डिजिटल मार्केटिंग की लाइन में, तो मैं CIM मैंने चूज़ किया फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे आके मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड मेनी मोर। ओके, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब SEO आपने कंप्लीट कर लिया साहिल, यस सर। वेरी गुड। सो इसमें आपने क्या सीखा SEO में? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें सीखी है, जैसे कि ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO एंड टेक्निकल SEO, लोकल SEO एंड मेनी मोर। ऑलराइट। और आपने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह पे भी काम किया है SEO करते समय? SEO करते समय सर मैंने ओनली अपनी वेबसाइट के ऊपर ही SEO किया था। एंड दैट वेबसाइट वॉज योर प्रोजेक्ट, यस राइट? सर। ओके, वेरी गुड। तो मुझे बता सकते हैं SEO कितने टाइप की होती है? यस सर। SEO होते हैं ऑफ पेज SEO, ऑन पेज SEO, सिमेंटिक SEO, लोकल SEO एंड टेक्निकल SEO, टेक्निकल राइट? SEO। ऑन पेज, ऑफ पेज, सिमेंटिक और टेक्निकल, इन तीनों में डिफरेंस बता रहे हो क्या होता है एग्जैक्टली इन चारों में? सर जो हमारा ऑन पेज होता है वो हमारे वेबसाइट के अंदर SEO करते हैं उसके अंदर। तो सर ऑन पेज के अंदर हम करते हैं जैसे कि एक्सटर्नल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग, कीवर्ड सर्च। ठीक है जी। और क्या करते हैं ऑन पेज में? ऑन पेज में मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड फीचर्ड इमेज और भी हैं कुछ चीज़ें, और हेडिंग टैग हेडिंग ऑप्टिमाइज टैग्स करते हो आप, ऑप्टिमाइजेशन। हाँ जी कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हो आप, ऑल टैग लगाते हो आप, राइट? जी ओके, सो अगर आपको एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि ऑन पेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कौन सा सर। एलिमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या होएगा? इसमें फिर हमारा कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च के बाद टाइटल, टाइटल टाइटल ऑप्टिमाइजेशन इज टाइटल अ मोर, मेटा टाइटल मेटा राइट? डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ऑफ पेज में SEO में क्या होता है? सर ऑफ पेज SEO में बेसिकली ओनली सिर्फ बैकलिंक्स के ऊपर हम काम करते हैं ऑफ पेज के अंदर। और बैकलिंक्स आपने क्रिएट किए हैं, यस सर। आपने जो वेबसाइट क्रिएट की थी उसी के बैकलिंक आपने यस क्रिएट किए सर। हैं, राइट? वेरी गुड। और किस टाइप के बैकलिंक्स आपने क्रिएट किए हैं? बैकलिंक सर जो भी रिलेवेंट है मेरी वेबसाइट से वो ही किए मैंने सर, बुकमार्क्स क्रिएट किए हैं जैसे ना? कि पर्सनल पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो भी है मेरे से है रिलेट करते हुए वो मैंने बैकलिंक्स में उस पर काम किया। अच्छा, ठीक है। और कीवर्ड रिसर्च आपने कौन से टूल्स पे की है? कीवर्ड रिसर्च सर मैंने गूगल कीवर्ड ट्रेंड और सिर्फ ये सैमरसफेयर। ओके, और बेसिकली आपको एक टर्म होती है KD, कीवर्ड डिफिकल्टी, वो आप बता सकते हो क्या होता है एग्जैक्टली कीवर्ड रिसर्च में? कीवर्ड डिफिकल्टी में सर बेसिकली ये डिफ़िकल्टी लेवल प्रेजेंट करता है हमारी किसी भी कीवर्ड का, अगर KD ज़्यादा है तो इट मीन्स उस कीवर्ड पे रैंक लेने में भी एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, राइट? ठीक है सर। नो प्रॉब्लम। ओके, सो कीवर्ड रिसर्च करते समय आप कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करते हो? कीवर्ड सर्च करते हुए सर हमें आ रहा वो होना चाहिए, कंपटीशन लो होना चाहिए। वेरी गुड। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टेल नहीं होना चाहिए कीवर्ड, शॉर्ट टेल ही होना चाहिए। हाँ स्टार्टिंग में लॉन्ग टेल पे बल्कि फोकस करो। ओके, जी। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। तो आप SSL बता सकते हो, SSL क्या होता है? यस सर। ये एक सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट होता है जो कि हमारी वेबसाइट को एक तरीके से सिक्योर कर सकता है। और ये जैसे कि इतने सारे वर्ल्ड में काफ़ी हैकर्स बैठे हुए हैं, इन सबसे हमारी वेबसाइट को सिक्योर करके रखता है। ठीक है, वेरी गुड। CTR क्या होता है? को ये होता है क्लिक थ्रू रेट। ये क्लिक थ्रू रेट सर 1% में निकलता है हमारा। और CTR जो ये होता है सर, इसको हम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इसका होता है एक तो इम्प्रेशन होते हैं इज इक्वल टू ये क्लिक्स होते हैं, जिससे कि जो भी आता है वो हमारे परसेंटेज में निकलता है। और CTR का कोई रैंकिंग पे इंपैक्ट पड़ता है आपके? CTR का जी, CTR का रैंकिंग में हाँ पड़ता है सर। कैसे बढ़ेगा? CTR अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? CTR ज़्यादा होना चाहिए। और CTR ज़्यादा होने से रैंक क्यों इंप्रूव होगी? CTR ज़्यादा होने से सर क्योंकि CTR अगर अच्छा होगा, ये रिप्रेजेंटेशन है ना कि ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट ओपन करें, क्लिक करें, सो इट्स अ वेरी गुड UX सिग्नल, यूजर एक्सपीरियंस सिग्नल, राइट? ओके, गेस्ट पोस्टिंग पे आपने काम किया? गेस्ट पोस्टिंग पे सर मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 to 3 times ही काम किया है। ओके, ऑल राइट, ठीक है। इसके अलावा आपने गूगल सर्च कंसोल पे वर्क किया होगा जब आपने ऑन पेज कंप्लीट कर ली थी टेक्निकल SEO के टाइम पे, हाँ राइट? जी हाँ जी तो गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट के साथ कैसे लिंक करते हैं वो आपको पता है? हाँ जी। और साइट मैप क्या होता है? साइट मैप सर 2 तरह के होते हैं, XML साइट मैप होता है और एक होता है HTML साइट मैप।
ओके जी, और यूजर के लिए होता है अपने इसके लिए क्रॉलर्स के लिए, राइट। अच्छा क्रॉलर्स क्या होते हैं? क्रॉलर सर हमारी वेबसाइट को इंडेक्सिंग करने में काम करते हैं वो। क्रॉलर्स जैसे कि हमने कोई पेज बनाया होता है उसके ऊपर क्रॉलर्स आते हैं तो वो हमारी जो पेज है वेब पेज होता है उसको ना सर्वर पे अपलोड करते हैं जिससे कि हमारी वेबसाइट इंडेक्स हो जाती है। क्रॉलर्स को और क्या बोलते हैं? क्रॉलर्स तो एक सिंबॉलिक नेम हो गया ना उसका, टेक्निकल नेम बॉट्स, बॉट्स राइट, बेसिकली गूगल बॉट्स और बॉट्स बोलते हैं। ओके तो TLD एक्सटेंशन क्या होता है? ये TLD एक्सटेंशन होता है टॉप लेवल डोमेन, जैसे कि .com, .in, .in आता है कंट्री कोड में, लेकिन .com हो गया, .online हो गया, ये सब होते हैं सर टॉप लेवल डोमेन। ओके और इसका SEO पे कोई इंपैक्ट पड़ता है TLD एक्सटेंशन का? SEO नहीं सर, बेसिकली पड़ता है, कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है, बट अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ इंडिया में अपनी वेबसाइट रैंक करवानी है तो आप अपनी TLD एक्सटेंशन .in रख सकते हो, राइट? ठीक है। और अगर पूरे वर्ल्ड में लेके जाना है या इंटरनेशनल SEO करना है तो .com इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर दैट, राइट? ऑल राइट, ओके। सो इसके अलावा आप मुझे बताओगे SERP क्या है? तो SERP होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है सर हमारे, ये जैसे भी हम कोई भी क्रोम पे खोलते हैं ओपन करते हैं तो जो फ्रंट पेज होता है वो हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है। जैसे कि हमने कुछ भी सर्च किया वो फर्स्ट पेज जो भी खुलेगा हमारा वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होगा। ओके आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आपने ऑन पेज करते समय इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं आप उसमें, ओके डिफरेंस क्या रहता है दोनों में? सर इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग में सर कुछ नहीं, बस जैसे हम अपनी वेबसाइट का लिंक किसी और को दे देते हैं उसकी वेबसाइट का लिंक हमारी वेबसाइट पर आ जाता है, एक्सटर्नल इंटरनल लिंकिंग होती है। देयर इज अ डिफरेंस, डिफरेंट है कि एक्सटर्नल लिंक में क्या है आप अपनी वेबसाइट पे किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक लगाते हो, और इंटरनल लिंक में क्या है कि आपने आप अपनी वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंक। ओके ऑल राइट, सो ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है? ऑल्ट टेक्स्ट सर बेसिकली मेनली तो इमेज के लिए होता है, हमें गूगल को बताना होता है कि ये इमेज किस टॉपिक के ऊपर है, ये यूजर के लिए नहीं होता, ये सिर्फ होता है गूगल के बताने के लिए कि ये इमेज किस टॉपिक के बारे में है। उसके अंदर हम मेंशन कर देते हैं जैसे कि SEO के बारे में कोई इमेज है तो नीचे मेंशन ऑल्ट टेक्स्ट में कर देते हैं SEO, ये गूगल को पता लग जाता है कि ये इमेज SEO के बारे में। और ऑल्ट टेक्स्ट हमें क्या हमें लाइक इसमें कीवर्ड डालना चाहिए? हमेशा ऑल्ट टेक्स्ट में डालना चाहिए, इट्स नॉट कंपल्सरी, ओके, क्योंकि जैसे आपको पता है SEO में 200 फैक्टर्स है ना, मोर देन 200 रैंकिंग फैक्टर, ऑल्ट टेक्स्ट बहुत ही वीक फैक्टर है। ओके तो उसमें अगर आप कीवर्ड नहीं भी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑल्ट टेक्स्ट में ट्राई करो इमेज को अच्छे से एक्सप्लेन करो, ओके दैट मैटर्स मोर। ऑलराइट तो ओके सिमेंटिक SEO क्या होता है? सिमेंटिक SEO सर जैसे कि हमारे काफ़ी फैक्टर्स होते हैं एक दूसरे से इंटरनल करते हैं, इंटरनल वगैरह करना पड़ता है उससे सर। इसमें ब्लॉगिंग करते हो आप, राइट? ब्लॉग पोस्ट वगैरह अपने वेबसाइट पे एक निश से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश करते हो, आपका ट्रस्ट रैंक इम्प्रूव होता है। ओके ऑलराइट साहिल, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू। वेलकम सर, थैंक यू।